हेलो, माई सेल्फ लक्ष्मी माहेश्वरी फ्रॉम भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज न्यू मंडी मुजफ्फरनगर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके लिए यहाँ पर हम दो सेंटेंस देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट है वह खेल रहा होगा, इसमें रहा होगा आ रहा है, वह दो घंटे से खेल रहा होगा, इसमें भी रहा होगा आ रहा है। डिफरेंस ये है कि वह खेल रहा होगा, इसमें समय नहीं दिया हुआ है। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, ये हमारा फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में आता है। और दो, वह दो घंटे से खेल रहा होगा, इसमें समय आ रहा है दो घंटे से, और रहा होगा आ रहा है, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहलाता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन है इस टेंस के हिंदी वाक्यों में समय के साथ क्रिया के अंत में, यानी वर्ब के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि समय के साथ से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर, हम 4 बजे से यह कार्य कर रहे होंगे, तो समय आ गया, यहाँ से आ रहा है, कर रहे होंगे लास्ट में रहे होंगे आ रहा है, तो समय के साथ से रहा होगा, रहे होंगे आदि जो शब्द आते हैं, ये हमारी पहचान आइडेंटिफिकेशन होती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की। नेक्स्ट एग्जांपल, वह बहुत देर से मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, इसमें समय आ रहा है बहुत देर से और प्रतीक्षा कर रहा होगा। तो इससे अभी हमें क्लियर हो रहा है कि ये दोनों सेंटेंस हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के सेंटेंस हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब हम आते हैं, लेट अस नो द ट्रांसलेशन रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, इस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, शैल प्लस हैव बीन, देन ing फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। इसमें हम सब्जेक्ट, उसके साथ विल एंड शैल, हैव बीन, इसमें ऐसा नहीं कि हम इसमें हैज की यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमेशा हैव बीन का यूज़ करेंगे। ing फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और समय के लिए, से के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़, फिर टाइम का यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहले हम 4 बजे से यह काम कर रहे होंगे, हम 4 बजे से यह काम कर रहे होंगे, से आ रहे हैं और रहे होंगे आ रहा है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेशन बना लेते हैं। फर्स्ट है हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा वी, और वी हमें पता है, हमें सब्जेक्ट के साथ हमें विल और शैल का हम
कहाँ शैल का यूज़ करेंगे, कहाँ विल का यूज़ करेंगे इसके बारे में बता देती हूँ। पहले विल का यूज़ हम सबसे शैल का यूज़ आई और वी के साथ, बाकी जितने भी हमारे जो थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन होते हैं उसके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो वी है ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो वी के अकॉर्डिंग हम शैल का यूज़ करेंगे। वी शैल हैव बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसमें कर रहे होंगे। आई वी शैल हैव बीन डूइंग दिस वर्क, ऑब्जेक्ट है हमारा। आप सिंस और फॉर में से हम सिंस का यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो निश्चित समय होते हैं, और फॉर का यूज़ करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अवधि के लिए यानी अनिश्चित समय के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा 4 बजे है ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, इसलिए हम इसके लिए सिंस का यूज़ करेंगे। वी शैल हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 4 o'clock। इज दैट क्लियर? वी शैल हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह बहुत देर से मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। वह बहुत देर से मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। सब्जेक्ट हमारा ही, ही के अकॉर्डिंग हम विल का यूज़ करेंगे। ही विल हैव बीन प्रतीक्षा करने की, वेटिंग। अब हमारा ऑब्जेक्ट आता है वेटिंग फॉर, वेटिंग के साथ हम प्रपोजिशन फॉर का यूज़ करते हैं, वेटिंग फॉर मी। उसके बाद हमारा आता है सिंस और फॉर में से, तो यहाँ पर बहुत देर है तो ये पीरियड ऑफ टाइम है यानी कि अवधि है, तो इसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। वेटिंग फॉर मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस थे। अब इसके बाद हमारे नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल एंड विल और शैल, इसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे, देन हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट देन सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। ये नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट, विल और शैल के बाद लगाते हैं और हैव बीन से पहले लगाते हैं। वही सेंटेंस एग्जांपल वही ले लेते हैं हम जो हमारे थे। एग्जांपल, हम 4 बजे से यह कार्य नहीं कर रहे होंगे।
हम 4 बजे से यह कार्य नहीं कर रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंस है ये। हम इसमें वही रूल्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे। वी शैल नॉट हैव बीन doing this work चार बजे से निश्चित समय है। since 4 o'clock we shall not have been doing this work since 4 o'clock. next example, वह बहुत देर से मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा। वह बहुत देर से मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा। तो सब्जेक्ट हमारा ही के अकॉर्डिंग विल, ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। He will not have been waiting for me for a long time. ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस थे, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस As we know, there are 2 types of interrogative sentence. First of all, yes no type. Second, WS type. Yes no type, जिसमें जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं। फर्स्ट है हमारा yes no type सेंटेंस। स्ट्रक्चर यस नो टाइप में हम विल और शैल को सबसे पहले लिखते हैं, क्या कि इंग्लिश हमें लिखनी नहीं होती है। विल एंड शैल, देन सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब then object, then since and for, time, then question mark. हम इसी में क्या लगा करके बनाए example? क्या हम 4 बजे से यह कार्य कर रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क, क्या हम 4 बजे से यह कार्य कर रहे होंगे? ये की सेंटेंस मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपको इसमें क्लियर हो जाए कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, अफर्मेटिव कैसे बनेगा और इंटरोगेटिव कैसे बनेगा। इसीलिए ये सेंटेंस मैं एक ही रिपीट करे चली जा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या हम 4 बजे से ये कार्य कर रहे होंगे? यदि ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम विल शैल को हम के अकॉर्डिंग शैल का यूज़ किया जाएगा। शैल, देन सब्जेक्ट वी,
shall we have been doing this work? Shall we have been doing this work since 4 o'clock? Question mark. Shall we have been doing this work since 4 o'clock? Second sentence hamara tha. क्या वह बहुत देर से मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा? वही आएगा ही के अकॉर्डिंग. यहाँ पर सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, हैव बीन, विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर ए लॉन्ग टाइम. क्वेश्चन मार्क. विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर ए लॉन्ग टाइम. ये हमारे यस नो टाइप सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, उसके एग्जाम्पल्स थे. अब हमारा आता है डबल इंट्रोगेटिव यानी कि WH टाइप, जिसमें कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं. तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं अभी. WH टाइप सेंटेंस, स्ट्रक्चर जो हमारे WH टाइप होती है यानी जिनमें हिंदी वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है. सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं. इसमें क्वेश्चन वर्ड then will and shall, subject have been plus ing form of verb plus object since and for प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क. लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं. एग्जांपल, हम 4 बजे से यह कार्य क्यों कर रहे होंगे? क्यों क्वेश्चन वर्ड बीच में आया. हम 4 बजे से यह कार्य क्यों कर रहे होंगे? तो सबसे पहले हमारी क्यों की इंग्लिश आएगी वाई. वाई के बाद हम के साथ शैल का यूज़ करेंगे. वाई शैल वी हैव बीन डूइंग दिस वर्क 4 बजे सिंस 4 o'clock? क्वेश्चन मार्क. वाई शैल वी हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 4 o'clock?
नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह बहुत देर से मेरी प्रतीक्षा कहाँ कर रहा होगा। वह बहुत देर से मेरी प्रतीक्षा कहाँ कर रहा होगा। क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द क्वेश्चन वर्ड वेयर, देन सब्जेक्ट ही। वेयर नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद विल शैल में से कोई लेंगे तो ही के अकॉर्डिंग हमारा विल आएगा पहले, विल देन ही, सब्जेक्ट बाद में आएगा, उसके बाद हैव बीन। Where will he have been waiting for me for a long time? Question mark. Where will he have been Waiting for me for a long time? ये हमारा interrogative sentence, double interrogative भी बोला जाता है इनको, WH type sentence भी बोला जाता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ही हमारा future perfect continuous tense complete होता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये मेरी मुझे पूरी उम्मीद है। Thank you all.